मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर में कुछ डेफिनेशन ये है कि T1 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस V1 एंड T2 इज एनी अदर एस्टिमेटर विद वेरिएंस V2 देन द एफिशिएंसी ई ऑफ T2 इज डिफाइंड एज ई इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। शुद्ध भाषा में आपको समझाया जाए तो ये है कि जितने भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स हैं उन सब में से जो हमें सबसे कम वेरिएंस प्रदान कराएगा वही जो है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर में गिना जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा कम वेरिएंस होगा सभी एस्टिमेटर्स में वो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो एफिशिएंस मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं नोट करवा देता हूँ आपको। इफ़ इन अ क्लास ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर और अ पैरामीटर देयर एग्जिस्ट वन हूज वेरियंस देयर हूज वेरियंस। थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं आ रही है, आप तो मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। हूज वेरियंस इज लेस देन that of any such estimator it is called most efficient estimator most efficient. Whenever such an estimator exists it provides a criterion for measurement of efficiency of other estimators। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए आप एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में। चलिए लिखते हैं एफिशिएंसी की डेफिनेशन। तो लिखिए इफ़ T1 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट estimator with variance V1 and T2 is any other estimator with variance V2 then the efficiency E of T2 is defined as E is equal to V1 upon V2. Obviously, he cannot exceed unity. एक से ज़्यादा इसका आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये एक तरीके से नोट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि एफिशिएंसी एक से बड़ी नहीं आ सकती है। चलिए हम बताते हैं इसको कि V1 जैसे कि हमने निकाला था वेरिएंस ऑफ एक्स बार एंड वेरिएंस ऑफ मीडियन। वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो था वो हमें पता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं पीछे करके सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन एंड पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n ये था। और जैसे कि हमने इसको सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन एंड इसको हम
कैंसिल आउट कर देते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर को, एंड उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, टू अपॉन पाई, देन इसका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 0.637, ये हमारा आंसर आ चुका है।